भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा 14 टेस्ट मैच एक बार फिर इंग्लिश टीम की पकड़ में पहले दिन नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि भारतीय टीम को लग गया है यहाँ पर चौथा झटका। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी और इस साझेदारी ने परेशान करना भी अंग्रेजों को शुरू कर दिया था, लेकिन 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को यहाँ पर क्रिस वोक्स ने चलता किया। जो रूट ने सेकंड स्लिप में उनका एक अच्छा कैच लपका, जिसकी बदौलत भारत को चौथा झटका यहाँ पर 69 के स्कोर पर लग गया है। एक ज़बरदस्त कैच इंग्लिश कप्तान ने पकड़ा और यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। अभी तक ज़बरदस्त प्रदर्शन इंग्लिश गेंदबाजों ने किया है। क्रिस वोक्स की एक साल बाद टीम में वापसी हुई है और उन्होंने अपनी वापसी से पूरे तरीके से सभी को इम्प्रेस किया है। सबसे पहले तो उन्होंने पहले रोहित शर्मा को आउट किया और अब रविंद्र जडेजा, जो कि खूंटा गाड़ सकते हैं पिच पर और अपनी गेंदबाजी से सभी को इम्प्रेस कर सकते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का लोहा यहाँ पर मनवाया। समझ नहीं पाए यहाँ पर रविंद्र जडेजा, स्विंग कराई यहाँ पर उन्होंने और जो रूट ने जो कैच लपका वो भी बेहद शानदार था। अंग्रेज कप्तान जानते थे कि अगर जडेजा का कैच नहीं लपका गया तो फिर यहाँ पर भारतीय टीम को बैकफुट पर नहीं ढकेला जा सकता। एक बहुत बड़ी स्ट्रगल में टीम इंडिया फंसती हुई नजर आई है। अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली फिलहाल क्रीज पर टिके हुए हैं, कप्तान उपकप्तान की जोड़ी फिलहाल मैदान पर है, लेकिन टीम इंडिया को यहाँ पर अगर इस मुकाबले में कुछ बेहतर प्रदर्शन करना है तो फिर एक लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, वरना इंग्लिश टीम एक बार फिर भारतीय टीम को अपना शिकार बना लेगी। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।